अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ये देखें, ये चूज़ा है ना, ये इसकी डेथ हो गई है। आज हमारा 9वें दिन का चूज़ा है। इनको अब ना कब्ज़ की शिकायत हो रही है। जब 5वें दिन का चूज़ा था ना, हमने उस वक्त भी इनकी फ्लैशिंग की थी। आज 9वें दिन का चूज़ा है, आज भी इनकी फ्लैशिंग करेंगे। ये चूज़े देखें माशाल्लाह, सुबह सुबह का 6 बजे का टाइम है, सारे चूज़े चल फिर रहे हैं। अब कईयों को कब्ज़ हो रही है इनकी पोलियों के ऊपर ना, वो बीटें बीटें जम रही हैं। इसकी निशानी ये होती है। आज हमने इसके लिए एक देसी नुस्खा बनाया है। ये देखें, ये काढ़ा है, इसमें जो है ना हमने गुड़ मिलाया है, पुराना गुड़। जैसे शक्कर होती है, चीनी होती है। अब हमने इसको चीनी वाला पानी नहीं देना। ये देखें आप, इसका रंग देखें, गुड़ वाला पानी है। ये तो 600 ग्राम गुड़ था, और इसमें 3 चम्मच जो है ना हमने सौंफ के डाले हैं। सौंफ के डालकर ये देची में आग पे रख कर ना पका दिया इसको। पकाने के बाद जो है ना हमने ये ले आए हैं। ये देखें, ये अब इस खीर के अंदर जो है ना हमने मिक्स करना है हाथ से। ये देखें, ये मिक्स करेंगे इसको सारे को। इसके बाद जो है ना ये फिर मिक्स की हुई जो है थोड़ी देर रख देंगे। ये फिर सारे दाने दाने पर लग जाएगा। जब दाने दाने पर ये मीठे वाला पानी लग जाएगा, गुड़ वाला पानी, गुड़ और सौंफ वाला पानी, फिर हमने इन चीज़ों को डालना है। अच्छा, ये मैंने आज ये साफा बांधा हुआ है, आप देख रहे हैं रुमाली। ये मैं दूसरी मंजिल के ऊपर हूँ। ये जो खीर की बोरियाँ ना, हम खुद सर पे उठा कर लाते हैं। ये 2000 हमने चूज़ा पाला हुआ था। अगर हम खुद काम नहीं करेंगे तो फिर हमें बचत नहीं होनी, क्योंकि इतने काम में है ना थोड़ी बचत होती है। तो हम सारा फ्लाक का खर्चा लिखते जा रहे हैं, सारा जो बचेगा वो भी आपको बताएंगे। ये तकरीबन 45 दिन का सारा प्रोसीजर है। ये देखें, ये 10 मिनट फीड हमने ना ये काढ़ा मिलाकर ऐसे मिक्स करके ना इसको 7-8 मिनट ही रखा है। अब ये देखें, इसमें कोई दाना आपको सूखा हुआ नहीं फीड का नज़र आ गया, ये सारे गीले हो गए। ये हमारा जो है ना तैयार हो गया मुरक्कब, गुड़ और सौंफ वाला पानी। गुड़ आपने 10 दिन के चूज़े को 2000 को 600 ग्राम हमने ये गुड़ लिया है। इसमें 3 चम्मच जो खाने वाले होते हैं वो सौंफ के मिलाकर पकाया था। उस पानी को पकाना इतना है कि 1.5 किलो पानी लेके पकाना है कि 1 किलो बचे और गुड़ जो है ना वो तहलील हो जाए। ये गुड़ वाला जो बनाया हुआ हमारा मतलब था, यहाँ सारे चीज़ों को प्लेटों में डालेंगे। आज ये खाएंगे तो इनके जो छोटे हैं ना वो फूल जाएंगे। ये मैंने 2 दिन हो गए हैं वैक्सीन करने के बाद पूछता था, इनके छोटे जो है ना वो जाम हो रहे थे। आज इन समय ये फूल जाएंगे। आज हमारा चूज़ा वैसे भी बहुत होशियार हुआ पड़ा है। ये सारे हमने और पानी आज हमने सादा ही ऊपर रखा है। ज़्यादा जल्दी की रेंज कैमरा, अब ये उतना खुद नहीं है बेचारा जितना इसका ना ये पोटा देखें फूल गया है। ये रात को जिसने फीड खाई थी ना, इसमें हजम नहीं हुई, इसका पोटा जाम हुआ पड़ा है। अब ये हिलने जुलना बेचारा का असर है। ये देखें आप, बहुत ही तकलीफ में है, मुझे आ गया है। और ये देखिए, मैं भी नहीं अपने पैरों के ऊपर सकता, इसको सख्त कब्ज हुई पड़ी है। अब ये जो हमने गुड़ और सौंफ वाला ये मुरक्कब बनाया था ना, अब ये चूज़े जितने भी आए ये सारे खाएंगे तो ये माशाल्लाह इनके पोते जो है ना ये हालत इनकी नहीं होगी। ये देखें, ये जितना है बेचारा, इतने गर्दन भी ऐसे की हुई है और ये पोटा देखें बंद ही नज़र आ रहा है गर्दन के अंदर से। इसका पोटा ना जाम हो गया, अब ये बीट नहीं कर सकता, इसलिए वो भी जो है ना बंद हुई पड़ी। अब इनको ये गुड़ वाला पानी देने का मकसद ये है, मेरे खाने से नहीं, इनके पेटे जाम पोटे जाम हो पड़े हैं, इनको कब्ज की शिकायत ख़त्म हो जाएगी और बीट करने में आसानी होगी। अगर चूल्हे को बीट करने में रुकावट हो तो उसमें जो होता है ना फिर वो बीमारियाँ फैल जाती हैं, इनको मेदे का प्रॉब्लम हो जाता है, कब्ज हो जाता है, उसके बाद फिर जो है इनको बवासीर होती है, जिसको वापसी कहते हैं। सारे मरले आपको बताते जाएंगे इंशाल्लाह। अब इसको जो है ना हमें तकरीबन कोई मीठी मीठा पानी मिला कर ना खुद हाथ से खिलाएंगे इसको।
कोई इंजेक्शन देकर इसके मुंह में थोड़ा थोड़ा दे देंगे, बेचारा झटके दे रहा है, सांस भी इसको बड़ा मुश्किल से आ रहा है, इतनी इसको कब्ज हो रही है। ठीक है गाइस, आज की वीडियो आपने जरूर देखनी है, पूरी वीडियो देखिएगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, जो भी जूते का काम करना चाहते हैं, पूरी वीडियो गौर से देखेगा, उसको सारा ही प्रॉपर काम करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।